हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो और मतलब मैं ऐसे ज़्यादा वीडियोस डालती नहीं हूँ ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देखते भी नहीं है सो या इट गोज़ हैंड इन हैंड बट आज मैंने सोचा कि एक वीडियो डालती इट इज़ ट्रेंड था जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत दिखाई दे रहा था दैट इज़ पेंटिंग विद देयर हाईलाइटर या फिर कोई भी ऐसा मार्कर अब उन लोगों के हाईलाइटर्स अच्छे कलर के होते हैं यार मेरे पास ग्रीन कलर का ही था तो मैंने फिर ग्रीन से बना लिया मैंने मतलब बहुत बेसिक सा और एक फंकी आइज़ बनाने का सोचा वैसे भी मुझे आइज बनाना बहुत पसंद है लाइक like, कोई भी तरह के कलर्स uh, वगैरह से आइज या फिर ऐसा कुछ ऐसे कूल सा ड्रॉ करना आई थिंक काफ़ी बढ़िया लगता है हाँ आइज़ बनाए तो पहले सबसे पहले मेरे को लगा मेरे पास सिर्फ ग्रीन कलर का है है तो मैंने सिर्फ ग्रीन वाले से करा और ग्रीन में भी मैंने नियॉन कलर की इंक डाल रखी थी कुछ अलग से ही कलर बन के आया बट ठीक है मैंने कर दिया फिर मुझे करते करते फिर मैंने उसके ऊपर पेन से आउटलाइन करना शुरू किया फिर मुझे एकदम से मेरा ब्लू कलर का हाईलाइटर भी दिख गया मैंने बोला ओहो oh, मेरे पास तो दो कलर के हाईलाइटर है फिर मैंने ब्लू से उसके ऊपर ओवर ड्रॉ कर दिया फिर ये मैं कर ही रही थी तो एकदम से दो कलर मिलने वजह से काफ़ी बढ़िया डेप्थ वगैरह क्रिएट हो गई उसमें आई रियली लाइक डेट तो ये मैंने फिर दूसरी आँख बनाना शुरू की टोटल मतलब मैंने शायद इस पेज पे छोटे से चार आँखें बनाई हैं ऐसे करके और काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे बनाने में टू बी ऑनेस्ट बहुत ही फन एक्टिविटी थी ये तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम लोगों को कुछ करने का मन है तो तुम भी कर सकते हो ये तो मैंने पढ़ते पढ़ते ही कर दिया था मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था अच्छा एक ब्रेक टाइप का मिल गया था फिर करते करते मेरे को एक अपना क्रेऑन वाले हाईलाइटर्स नहीं होते वो भी दिखा और फिर मैंने बोला कि अब तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट कर ही दिया है तो लास्ट में क्रेन वाले से कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैंने पहले वो क्रेन वाला हाईलाइटर यूज़ किया होता तो मैं उसमें अपना तो दैट फॉर अ गुड थिंग कि वो पहले मुझे दिखाई नहीं दिया और ना मैं पूरा भाषण मचा देती अपनी पेंटिंग का इसलिए फिर मैंने पहले तीनों अपने जो ये आईज के स्केचेस थे ये पूरे कंप्लीट करे उसके बाद फिर मैंने लास्ट में अभी तुम देखोगे कि वहाँ पे पिंक कलर के मस्त तो उसके ऊपर एक और शेड कर दिया जिसकी वजह से तीन कलर्स होने की अंकी लग रही थी ना ये मतलब इतनी बढ़िया इतना तो अच्छा मैं बिना मतलब प्लान करके सोच के बनाती ना तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता उसे बनाने में जितना मज़ा अभी आ, आ रहा था सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी तुम लोगों को भी ये ट्राई करनी चाहिए इफ़ यू आर लाइक बोर्ड एंड इसके लिए ज़्यादा ऐसे हाईली स्पेशल और ईजी एक्टिविटी है तो आई थिंक ये कोई भी कर सकता है और अगर तुम करो तो फिर बताना भाई मुझे कमेंट्स में और अगर ऐसे कुछ नए आइडियाज़ हो कि हाइलाइटर पेन से और क्या क्या बना सकते हैं तो जस्ट लेट मी नो आई रियली इंजॉयड मेकिंग इट एंड आई थिंक आर बी एबल टू मेक मोर सच थिंग्स विद दीज हाईलाइटर पेन्स क्योंकि काफ़ी फ़न था लाइक टू बी ऑनेस्ट अच्छा दिखे ना दिखे मुझे उससे मतलब नहीं है मज़ा बहुत आया तो आई थिंक तुम लोगों को भी आएगा सो या लेट मी नो इफ़ यू मेक एनी थिंग न्यू एंड यूज मतलब थॉट की ये तो बहुत ही मस्त है मैं भी बना दूँगी फिर ट्राई तो ही सकते हैं भाई क्या दिक्कत है सो या दैट वॉज इट फॉर टू वीडियो और वैसे तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं फिर भी अगर देख रहे हो इट रियली हेल्प्स मी टू गेट मोटिवेटेड एंड लाइक स्टे मोटिवेटेड सो या थैंक यू सो मच दिस इज़ द फाइनल ड्रॉइंग या वीडियो जो भी बोल लो काफ़ी कूल cool लगी मुझे तो and let me know how you liked it